नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, आपका KDH राजस्थान चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के चलते रेलवे बोर्ड के द्वारा एक बार सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। बाद में कुछ राहत मिलने पर स्पेशल ट्रेनों के रूप में, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के रूप में कई ट्रेनों को चलाया गया, लेकिन सेकेंड वेव में फिर से ट्रेनें कुछ डिस्टर्ब हो गई। एक लंबे अंतराल से अभी भी ट्रेनें पूरी तरह से सुचारू जो पहले चल रही थी अभी तक नहीं चल पा रही है। ऐसे में रेलवे से एक खुशखबरी, एक अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है। जो लोग जोधपुर, डेगाना, डीडवाना, लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादलपुर क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। एक ट्रेन जो कि इस क्षेत्र से पहले गुजरती थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन थी, वह ट्रेन फिर से शुरू होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं खास जानकारी भरा ये वीडियो। रेलवे बोर्ड और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य अनिल कुमार खटेड़ से मिली जानकारी के अनुसार 18 जून से ये एक महत्वपूर्ण ट्रेन इस क्षेत्र से फिर से शुरू होने वाली है। भगत की कोठी से कामाख्या और कामाख्या से भगत की कोठी एक महत्वपूर्ण ट्रेन थी जो इस क्षेत्र से पहले भी वीकली ट्रेन के रूप में चल रही थी, जिसका पुनः संचालन शुरू होने जा रहा है और स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालन शुरू होगा। ऐसे में जो ट्रेन नंबर है वो होगा 05624 और कामाख्या से चलकर भगत की कोठी 18 जून को एट फर्स्ट पुनः संचालन के पश्चात 18 जून को यह ट्रेन 05624 नंबर के साथ कामाख्या स्टेशन से रवाना होगी और दिल्ली होते हुए सुजानगढ़ और इस क्षेत्र लाडनू से गुजरेगी रविवार की और जोधपुर भगत की कोठी तक जाएगी। और जब भगत की कोठी से कामाख्या की ओर चलेगी तो इसका ट्रेन नंबर होगा 05623। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और बहुत ही अच्छी खबर भी ये निकल करके आ रही है। और इस ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी आप रेलवे की, इंडियन रेलवे की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और साथ ही आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर भी इस ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और रिजर्वेशन करवा सकते हैं। पहले इस ट्रेन के रूट के बारे में और किस समय ये इस क्षेत्र से गुजरने वाली है विस्तार से समझ लेते हैं। आइए, ट्रेन नंबर 05624 कामाख्या से भगत की कोठी प्रत्येक शुक्रवार को 18 जून 2021 से पुनः संचालन शुरू हो रहा है और यह प्रत्येक शुक्रवार को 18 जून से शाम 5:15 पर कामाख्या रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। रणगैया जंक्शन, बारापेटा रोड, न्यू बोगाईगांव, कोकराझार जंक्शन, न्यू अलीपुरदुर, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, कटिहार जंक्शन, नोगाचिया, खगड़िया जंक्शन, बेगूसराय, न्यू बरवानी जंक्शन, पटना जंक्शन, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, शाहगंज, फैजाबाद जंक्शन, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए रविवार को सुबह 9:50 पर दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी और 15 मिनट ठहराव के बाद दिल्ली जंक्शन से 10:05 पर रवाना होगी। दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी जंक्शन, महेंद्रगढ़, सतनाली, लोहारो होते हुए यह प्रत्येक रविवार को दोपहर 2:05 पर सादलपुर जंक्शन पहुंचेगी और 5 मिनट ठहराव के बाद दोपहर 2:10 पर रवाना होगी। चूरू यह ट्रेन दोपहर 3:10 पर पहुंचेगी और 10 मिनट ठहराव के बाद 3:20 पर रवाना होगी। रतनगढ़ में यह ट्रेन 4 बजे पहुंचेगी और 4:10 पर रवाना होगी। इसी तरह प्रत्येक रविवार को सुजानगढ़ में यह ट्रेन दोपहर 4:45 पर पहुंचेगी और 4:48 पर रवाना होगी। लाडनू में प्रत्येक रविवार को यह ट्रेन 4:58 पर पहुंचेगी और 3 मिनट ठहराव के बाद 5:01 पर रवाना होगी। डीडवाना में यह ट्रेन 5:24 पर पहुँचेगी और 5:27 पर रवाना होगी। छोटी खाटू, डेगाना, मेड़ता रोड जंक्शन, जोधपुर में यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को रात्रि 9 बजे पहुंचेगी, 15 मिनट ठहराव के बाद जोधपुर जंक्शन से रवाना होगी और अपने अंतिम स्टेशन भगत की कोठी यह ट्रेन 9:45 पर पहुंचेगी। और इसी तरह ट्रेन नंबर 05623 भगत की कोठी से कामाख्या, यह स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को भगत की कोठी से शाम 4:10 पर रवाना होगी और जोधपुर जंक्शन यह 4:20 पर पहुंचेगी, 10 मिनट ठहराव के बाद 4:30 पर रवाना होगी। मेड़ता रोड जंक्शन, डेगाना जंक्शन, छोटी खाटू होते हुए डीडवाना यह ट्रेन
शाम 7:34 पर पहुंचेगी, 7:37 पर रवाना होगी। लाडनू में यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को शाम 8:05 पर पहुंचेगी और 8:08 पर रवाना होगी। इसी तरह भगत की कोठी से कामाख्या यह ट्रेन सुजानगढ़ में प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 8:18 पर पहुंचेगी, 3 मिनट ठहराव के बाद 8:21 पर रवाना होगी। रतनगढ़ में 9:25 पर पहुंचेगी और 9:30 पर रवाना होगी। चूरू में 10:15 पर पहुंचेगी और 10:25 पर रवाना होगी। सादलपुर में रात्रि 11:40 पर पहुंचेगी और 11:45 पर रवाना होगी। लोहारू, सतनाली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जंक्शन, गुड़गांव, दिल्ली कैंट होते हुए दिल्ली जंक्शन में 4:30 पर पहुंचेगी और 4:55 पर रवाना होगी। गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, एरा, पटना, न्यू भोरानी जंक्शन, बेगूसराय, खगड़िया जंक्शन, नौगाछिया, कटिहार जंक्शन, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरदुर्ग, कोकराझार जंक्शन, न्यू बोगाईगांव, बारापेटा रोड, रंगिया जंक्शन होते हुए यह ट्रेन रात्रि 11:10 पर कामाख्या पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और रेलवे से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। और यह ट्रेन जिसका इंतज़ार आप भी सभी लोग कर रहे होंगे और यह खबर आपके लिए एक खुशखबरी भी होगी। तो बिल्कुल दोस्तों, 18 जून से यह वीकली ट्रेन जो साप्ताहिक ट्रेन के रूप में पुनः संचालित होने जा रही है। 18 जून से कामाख्या से भगत की कोठी की ओर और भगत की कोठी से कामाख्या की ओर होगी, 22 जून से शुरू हो जाएगी। और भी अधिक इस ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और इस ट्रेन में रिजर्वेशन करवाने के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं और नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। यह रेलवे से जानकारी भरा वीडियो आपको कैसा लगा, यह सूचना आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।